So hello, welcome to my podcast Vlogs and Research on the Geo Ecologist. And today is a very special day. So we have with us Mr. Amit Upadhyay, the founder of Guitar Studio. Hello sir, and to introduce you, he is my teacher, he is my mentor in music, and whatever in music I have learned is from him. So Amit sir, most welcome to this podcast. And हम लोग चाहेंगे कि आप अपने बारे में और थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में हम लोगों को सबको बताएं और फिर आगे म्यूजिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. First of all, thank you so much, Krishna. Thank you so much इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए. आई नो यू आर अ वेरी गुड टीचर एंड हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं. ऑब्वियसली तुम मुझे सिखाते हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ. ये लर्निंग का प्रोसेस है, हम उसमें चलते रहते हैं. जर्नी वाली बात है तो वो मैंने कीबोर्ड प्ले करना वहां से शुरू किया. अच्छा, कीबोर्ड थोड़ा तो शुरुआत कीबोर्ड से किए थे फिर गिटार पे. हाँ अच्छा, कीबोर्ड पे क्योंकि नोट वहां पे कॉन्स्टेंट हो तो उसमें मेहनत नहीं लगती. अच्छा, मैं अभी भी स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा कि कीबोर्ड प्ले करते समय इनिशियली तुम्हें मेहनत नहीं लगती क्योंकि वो कीज जो है वो तुम्हें दिख रहे हैं, ब्लैक कीज दिख रहे हैं और तुम्हें प्रेस करना है और वो नोट बजेगा. राइट. लेकिन गिटार में और जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें तुम्हें नोट बनाना पड़ता है. यू हैव टू यू नो इट्स फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है. फिजिकल है तो यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक साउंड. राइट. मैं देखता रहता था, ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे बता रहे, क्योंकि जब तुम किसी को बताते हो ना कि तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, बिल्कुल इसको ऐसे सीखते. और जब वो अपना एक्सपीरियंस बता देते ना तो मुझे सीखने को मिलता था कि एक आदमी जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन दूसरा उसी चीज को बताने के लिए उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. राइट. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था. तो वो मैंने सीखना शुरू किया वहां से कि ऐसे भी सिखाया जा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि सिखाते कैसे? The best part of Guitar Studio का मेरा memory है कि हम लोग वहां जाके फील करते थे कि हर दिन शाम को वहां जाके कुछ करना है, कुछ नया करना है. तो दैट वॉज द बेस्ट मोटिवेशन कि म्यूजिक एक पार्ट लाइफ में. तो वो गिटार स्टूडियो से जो ब्रांडिंग शुरू हुआ और अब तो ऑब्वियसली यूर कंट्री वाइड रिनाउंड एंड इवन आपके स्टूडेंट्स तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं दुबई से और कहाँ कहाँ से. सो ये बहुत अच्छी एक जर्नी जो है. तो सेकेंड पार्ट मेरा आपका था कि आप अगर ये बताते कि आजकल मैं एक चीज़ बहुत कॉमन देख रहा हूँ या हमारे टाइम से ही शुरू हो गया था कि गिटार और उसके साथ का एटीट्यूड और उसके साथ का कुछ डिसिप्लिनरी इशूज़, लाइक लोग सोचते हैं बहुत कैजुअली आप म्यूजिक को ले सकते हैं या क्या चीज़ है ये, इस पर थोड़ा सा बताइए कि म्यूजिक बहुत डिसिप्लिन का चीज है या कैजुअली भी सीख सकता है कोई, कर सकता है कोई, ऐसी डिसिप्लिन की लाइफ में जरूरत नहीं है या सोच में डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में डिसिप्लिन ना भी हो, क्या आयाम है, मतलब व्हाट आर द डाइमेंशंस टू म्यूजिक लर्निंग? देखो टीचर या स्टूडेंट होने के पहले ना आदमी के इंसान होता है. राइट राइट. उसका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. सो आई सी थ्रू, आई डोंट सी एनीथिंग एज इट इज बट आई सी थ्रू. And वो जो see through है वो perception है कि how I see through my very own perception. So मुझे देखो सबसे पहले मैं इसको deny कर दूंगा, ये cross कर दूंगा कि discipline जो nature में ना दुनिया में इंसान का brain जो होता है वो discipline नहीं होता. बिल्कुल. You know और nature भी discipline नहीं है, नहीं तो एक ही जैसा people का पेड़ होता और एक ही जैसे नदियां होती, सीधी नदी बहती. बिल्कुल. ताड़ का पेड़ का हाइट जो होता है 55 मीटर पर एकदम जाकर रुक जाता, तो ये सब नहीं होता. डिसिप्लिन नेचर में कहीं नहीं है, यू नो. तो ये मेरा अपना पर्सेप्शन है. व्हेन आई सी म्यूजिक थ्रू दिस पर्सेप्शन तो मुझे लगता है फिर वो डिनायल मूड में मैं आ जाता हूँ कि यार फिर म्यूजिक क्यों इतना डिसिप्लिन है.
और अगर ये डिसिप्लिन डाला जा रहा है तो कौन ऐसा शख्स है या किससे बनाया जिसने ये डिसिप्लिन डालने की कोशिश की, तो ये तो हो गया मेरा वो फिलोसॉफिकल जो आस्पेक्ट साइकोलॉजिकली मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ ये सोच के ना, बहुत डिस्टर्ब होता हूँ बिल्कुल। लेकिन जब मैं उस हाफ स्टार्ट को हटा दूं तो बाकी चीजें जो लर्निंग है, देखो अब अजीब सी बात है कि लर्नर एंड लर्नेड, सो इन तीनों वर्ड में लर्न हमेशा एज इट इज इट इज देयर कांस्टेंट है बिल्कुल। तो लर्न से लेकर लर्नेड तक वो लर्न तुम्हारा है वहां पे, तो कोई ये बोले कि मैं म्यूजिशियन हूं, मैं सीखा हुआ हूँ, वो सब कुछ जानता हूँ, ये गलत बात बिल्कुल, ये करना ही बेवकूफी है। मैं नहीं जानता, आई एम नॉट अ वेरी बिग थिंग, और मैं बोलने लगा कि मैं म्यूजिक जानता हूँ, हाँ मैं सिखाने के तरीके सीख रहा हूँ, बस यही कि मैं जो सीखता हूँ उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, थोड़ा कुछ भी करके, ये सोचता हूँ कि सामने जो अगर कृष्णा बैठा हुआ है या फिर रमेश या राजेश कोई भी बैठा हुआ, तो उसको मैं कैसे उसको मैं बता सकता हूँ, तो ये और एक और चीज इसी में मैं ऐड कर देता हूँ जब आप बात कर रहे हैं, कुछ दो तीन चीजें जो एक बिगिनर को, एक जो बच्चा अभी सोच रहा है कि मैं गिटार सीखना शुरू करूँ, उसके लिए माइंडसेट या अप्रोच क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे किया जाए, अगर आपको एक शौक भी हुआ कहीं से किसी को देखा तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो माइंडसेट या क्या सोच होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो अगर शॉर्ट में बोला जाए कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं या आप सीधे आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या सीधे आप ही की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। तुम सीखने जा रहे हो, मैं तो अगर बहुत लेमन तरीके से बात करूं, तुम्हारे पास एक अच्छी क्वालिटी का गिटार होना चाहिए, अगर हम क्वालिटी वाइज नहीं भी जाते तो गिटार लेके जाओ जहां पे जिसके नोट सही बजते हैं, यू नो बिल्कुल, क्योंकि नोट्स के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत जरूरी है, अगर तुमने गलत फ्रेंडशिप कर ली तो तुम गलत ही इंटरप्रेट करोगे बिल्कुल, है ना बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई जितने भी म्यूजिशियन है ना, जो बड़े लोग हैं, बड़े म्यूजिशियन हैं, बड़े काफी सारे बड़े लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट पहले लें। और हम लोग को क्या क्या होता था कि यार जो बच्चा अब 50,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट थोड़ी खरीद में लेके आएगा यार, उसको 2,000 रुपए का गिटार मिल रहा है कहीं पे, तो लेके आगे पहले शुरू तो करे बिल्कुल, है ना, तो हम उसको शुरू करा लेते हैं किसी तरीके से, चलो कंटिन्यू करो, लेकिन धीरे धीरे हम उसको सजेस्ट करते रहते हैं कि बाय अ गुड क्वालिटी गिटार और गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, पहले सीखना जरूरी है, पहले नोट्स के साथ एज सर से कि फ्रेंडशिप विद द नोट्स इज द थिंग, तो मुझे लगता है एक टैग लाइन या कैच लाइन इस पॉडकास्ट का ये रहेगा कि आप पहले नोट्स के साथ फ्रेंडशिप करिए एंड उसके बाद धीरे धीरे आप उस फ्रेंडशिप में जितने गहरे होते जाएंगे उतना अच्छा म्यूजिक उतरता जाएगा। एंड आप सबको आई वुड सजेस्ट कि आप सर के साथ कनेक्ट करिए, सर का फेसबुक पेज भी है अमित गिटार स्टूडियो, या सिंपली गिटार स्टूडियो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, और भी कोई अगर इंक्वायरी हो तो आप मुझे भी लिख सकते हैं, तो अमित सर, अमित भैया आपके साथ रेगुलर बने रहेंगे हमारे चैनल पे भी, और उनका अपना भी चैनल है जो गिटार स्टूडियो का, अमित गिटार स्टूडियो, उस पे भी वो पोस्ट करते रहते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे कनेक्ट करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ स्टूडेंट उनके अंदर सीखिए तभी कनेक्ट करिए, एज अ म्यूज़िक लवर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो विद दिस अमित भैया सर, प्लीज़ play something for us at the end of the session, जो भी आपको इच्छा करे, कोई भी ट्यून। Wow, wonderful. So, thank you for giving me time and अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे जल्दी, will be joining soon, हम लोग एक जैम सेशन जल्दी करेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए, and so thank you so much, okay, we'll see you soon. ठीक है guys, so please do subscribe to Amit Bhaiya's channel and also my channel on podcast. Stay connected, हम लोग और सारे videos और बहुत सारे songs और बहुत सारा music लाने वाले हैं जल्दी in future. So all the best wishes to all of you. Bye bye.